ंग एवरी वन कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का उर्दू बी का सिलेबस ठीक है जिसके जिस भी बच्चे की जान पहचान बुक है है ना जो भी उर्दू की जान पहचान बुक पढ़ते हैं ये उनके लिए सिलेबस है अगर आप कोई दूसरी बुक पढ़ते हैं तो आपका सिलेबस अलग से अपलोड किया गया है आप वो देख सकते हैं ठीक है ये उर्दू बी है ये आपका टेंथ क्लास का है तो चलिए इसे शुरू करते हैं आप क्या देख पा रहे हैं कि भाई ये सालाना निसाब है तो इसमें फ़र्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों ही इंक्लूड है ठीक है तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट टर्म में आपको क्या क्या पढ़ना है फ़र्स्ट टर्म में आपको हमद पढ़ना है बेतकल्लुफ़ी पढ़ना है नेकी बदी पढ़ना है गज़ल पढ़नी है मीर तकी मीर की हस्ती अपनी हुबाब की सी है फिर आपको ज़बानों का घर हिंदुस्तान पढ़ना है इसके बाद ख़ुदा के नाम ख़त पढ़ना है डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर पढ़ना है आदमी की कहानी और गज़ल पढ़नी है गालिब साहब की ठीक है इसके बाद बेटा आपकी एक सप्लीमेंट्री बुक है जिसका नाम है दूर पास हालांकि इससे क्वेश्चन आंसर एग्जाम में अभी तक नहीं पूछे गए हैं लेकिन आगे नहीं पूछे जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है है ना तो आप लोग इसे पढ़ लेंगे इसे समझ लेंगे इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं देख लेते हैं आ, बाबा फरीद गन शक्कर रहमत है, है ना डायरी लिखना इसके बाद काट के बौने रोटियाँ अक्लमंद मछेरा गुलबदन बेगम और दिल नादा तुझे हुआ क्या है ये आपकी गज़ल है ठीक है ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं इसके साथ मैं आप लोग के साथ एक बात और शेयर कर दूँ बेटा जितना भी आपका चाहे बुक वर्क हो चाहे चैप्टर्स हो चाहे क्वेश्चन आंसर्स हो चाहे आपका ग्रामर हो चाहे ऐसे एप्लीकेशन कुछ भी हो ए टू जेड सारी चीज़ें हमारे चैनल पर अपलोड हैं आप लोग देख सकते हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सब चीज़ का ठीक है तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इजीली अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसे ढूंढ सकते हैं ठीक है कवायद की बात कर लें तो फिर इस उसकी किस्में रमूज़ और औौकाफ फिर आपको मुतजाद मतरादिफ ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है जो यहाँ मैंशन है ठीक है इसके अलावा बेटा एक चीज़ दिमाग में रखिएगा जो एप्लीकेशन बार बार रिपीट हो रही है वो यही है या तो फिर फीस माफ़ी की या फिर सेक्शन तब्दील कराने की तो ये दोनों एप्लीकेशंस बहुत अच्छे से आप लोग लेंग लर्न कर लेंगे ठीक है क्योंकि हर बार पेपर में यही देखने को मिलती हैं इसके बाद अगर हम मजमून की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे मजमून है ये सब चीज़ें हमारे चैनल पर अपलोड हैं आप बिल्कुल फ्रीली देख सकते हैं इसमें किसी भी चीज़ के कोई पैसे आपसे नहीं लिए जा रहे हैं है ना बस आपसे एक रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी पढ़ पाएँ ठीक है अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो उसमें कमेंट करके बताएं कि हाँ भाई मैम मुझे ये आपने जो मटेरियल प्रोवाइड कराया है ये मेरे लिए हेल्पफुल है ठीक है ताकि इससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे अगर आप उसे लाइक नहीं करेंगे भाई मुझे नहीं पता चलेगा कि वीडियो आपको पसंद आई या नहीं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं जब तक आप उसे लाइक नहीं करते ठीक है आप कमेंट करके नहीं बताते कि मैम इसमें ये प्रॉब्लम थी या इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकती है तब तक मैं कैसे उसे समझ पाऊंगी है ना क्योंकि भाई मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने का कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो आपके लिए बेस्ट है या नहीं ये आपके कमेंट मुझे बताएंगे ये आपके लाइक्स मुझे बताएंगे राइट तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपको चीज़ पसंद आती है आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो उसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी उससे फ़ायदा उठा सके राइट इसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं सेकंड ट्रम की तो देखिए इसमें इंटरनेट पहाड़ और गिलहरी रज़िया सुल्तान काट का घोड़ा ए शरीफ इंसान हो कारतूस कदम बढ़ाओ दोस्तों इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं इन चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे ठीक है इसके बाद अगर हम नीचे वाली जो बुक है दूर पास इसकी बात करें तो बेटा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे बड़े लोगों की दिलचस्प बातें कुरत हैदर ठीक है मेरी प्यारी चुड़ियों अभी और गाओ नालंदा भूट की सॉरी झूठ की बोल ठीक है इसके अलावा दादा साहब पाल के तो ये आपको पढ़ना है ठीक फ़ीस माफी यहाँ देखिए फिर से आपकी गर, अगर हम ग्रामर में बात कर लें तो यहाँ पे फिर आपकी फ़ेल कवायद ये सारी चीज़ें आ गई हैं फिर से आपकी फ़ीस माफ़ी और सेक्शन तब्दील की एप्लीकेशन आ गई है निजी खत आ गए हैं दफ्तरी खत आ गए हैं ठीक है फिर मज़मून आ गए हैं तो इस तरह से ये आप लोग कर सकते हैं सारी चीज़ें अपलोड है अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ नहीं अपलोड है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि वो मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराया जाए साथ ही बेटा ये सब आपको तेरह दिसंबर तक फिनिश कर देना है क्योंकि उसके बाद आपके प्री बोर्ड मॉक टेस्ट ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी है ना और ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें आपका पूरा सिलेबस आएगा ठीक है तो देखिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर और पिछले साल बोर्ड के पेपर ये सारी चीज़ें अपलोड हैं अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग